बैठी है, इनमें से लाडली बहना कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ जिनको लाभ मिल रहा है। देखो कितनी मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, मैंने सोचा कि भाई मुख्यमंत्री है तो बहने 1500 के लिए क्यों परेशान हो, अरे जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ते थे। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, जरूरी कोई चीज दिलाना हो तो हमारे पास पैसे नहीं रहते थे। और इसलिए मैंने तय किया मेरी बहनों कि मेरे रहते हुए मेरी बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मैंने बना दी लाडली बहना योजना और तय किया कि 1000 रुपया हर महीना खाते में डालूंगा। अब 1000 नहीं, अब बढ़ा के कर दिए 1250 रुपया। अरे इस पे जोर से ताली बजाओ ना, कोई भाषण वासन थोड़ी दे रहे हो, अपन तो गप लगा रहे हैं। और सुनना, तुम्हारे भाई का ऐलान, पैसे का इंतजाम और कर रहा हूं, जैसे ही होगा बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया, और पैसे का इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया, और इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया, और इंतजाम करूंगा, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, और होगा तो 2250 करूंगा, फिर और व्यवस्था करूंगा 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर बाद में कितने करूंगा, अरे जोर से बोलो, नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, अपने परिवार की स्थिति ठीक करेंगे ताकि अपने बच्चे भी सुखी रह सके, अपने बच्चे भी आनंद से प्रेम से जिंदगी जी सके। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? भैया ये देश हमारा भी है, ये धरती हमारी भी है, ये संसाधन हमारे लिए भी है। कांग्रेस ने बरसों तक शोषण किया, गरीब को गरीबी रहने दिया, कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, मैं तुम्हारा हिस्सा तुमको देके रहूंगा, तुम्हारा अधिकार तुमको देके रहूंगा। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति है, जो तुम्हारा भाई कर रहा है। एक तरफ ऐसी योजना बना के अपनी बहनों के खाते में पैसा डालना, किसान के खाते में पैसा डालना, दूसरी तरफ एक बात और सुन लो, गांव से आए हो चाहे शहर से आए हो, अपने भाई का संकल्प मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का पट्टा तो दूंगा। बोलो सबके पास होना चाहिए कि नहीं? अरे भगवान ने पैदा किया तो इतनी धरती तो दी होगी यार हमें कि जिसपे अपना मकान बना के रह सके। और अब एक बात और सुनना, जिनके पास कच्ची झोपड़ी है, रहने के पक्के मकान नहीं है, बरसात आती टप 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 पानी चूता है, बच्चों का सोना मुश्किल हो जाता है, अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मकान मिलते थे तो कई के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं थे लेकिन वो गरीब थे। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, उनके लिए मैंने बना दिया अब मुख्यमंत्री आवास योजना। अभी फॉर्म भर दे, पंचायत पंचायत में गांव में ही भरा रहे हैं, भाई भराएंगे, शुरू हो गए कि नहीं? शुरू हो गए तो फार्म भरो, धीरे धीरे पैसा देके सबके मकान बनवाएगा, तुम्हारा भाई छोड़ेगा नहीं। ये व्यवस्था अगर हो जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, जिंदगी अपन आराम से जिए। अभी वो रसोई गैस के दाम थोड़े ज्यादा थे तो जब लाडली बहना के पैसा मिले तो कई बहनों का भैया रसोई गैस बहुत महंगी है, भैया बहुत महंगी है, तो अब मैंने तय कर दिया लाडली बहनों को और उजला रसोई गैस वाली बहनों को 450 में ही रसोई गैस दी जाएगी, बाकी पैसे मैं भरवाऊंगा। बच्चों की जिंदगी आसान हो। और कई बहनें कहती थी भैया बिजली के बिल देख लो, बड़े बड़े आ गए, मरे जा रहे, इतने कहां से भर दें? तो अब वो बड़े बिजली के बिल भाई भरवाएगा, तुम्हारे पास छोटे बिल आएंगे, अब एक बार वो भी मैं भरवा दूंगा। बेटा बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा मामा का है, मेरे भांजे भांजी है ना, ढंग से पढ़ाना, पढ़ाने में चूक मत करना, उनकी मेहनत से देखो, वो गांव में रहते और पांचवी पास करके छठवीं में
दूसरे गांव जाते तो साइकिल के पैसा देता हूं 4,500 रुपया, 8वीं पास करके 9वीं में जाते तो फिर साइकिल के 4,500 रुपया देता हूं, 12वीं में अगर वो अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया देता है, लैपटॉप के 25,000 अभी दिए कई बच्चों। और अब अपने गांव के स्कूल में 12वीं में वो पहले नंबर पे आएंगे, एक बेटा एक बेटी, उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा, अभी दिए मैंने, और अब एक नहीं तीन तीन को दिलवाऊंगा, तीन बेटा तीन बेटियों को। ये काय के लिए मैं कर रहा हूं, बच्चों में होड़ लग जाए पढ़ने की, और खूब मेहनत से पढ़े यार, मामा स्कूटी दिलवाएगा तो पढ़ाई करो, और वो पढ़ाई अच्छी करेंगे तो बड़े बन जाएंगे, सही बात है कि नहीं? कई बार तुम भी कहती हो ना, बेटा ये मत कर, चॉकलेट दूंगी, चॉकलेट टॉफी दूंगी, कुल्फी दिला दूंगी, तो मैंने कहा बेटा बेटी परोड़े, तुम्हें लैपटॉप दिलाऊंगा, तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा। गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ना चाहिए कि नहीं? उनको भी पढ़ना चाहिए मेरी बहन, पढ़ाओ बच्चों को। अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गए तो उनकी फीस चाहे कितनी भी हो, 10 लाख 12 लाख रुपया साल भी होगी, तो वो फीस तुम्हें नहीं भरना, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। चिंता मत करना, अपने बच्चे डॉक्टर बने इंजीनियर बने। कांग्रेस ने पाप किया, मेडिकल की डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी में कर दी। अब बताओ अपने बच्चे अंग्रेजी जानते क्या? नहीं जानते, तो अपने बच्चे पीछे रह जाते थे। और इसलिए मैंने तय कर दिया कि मेडिकल की पढ़ाई हो चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अब हिंदी में होगी, हिंदी में। अरे कल्लू पन्ना धन्नू मुन्ना जम्मन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बने रे, क्या बड़े लोगों के ठेका है डॉक्टर बनने का? अपन जमाना बदल देंगे, जमाना जमाना बदल देंगे अपन। हमारे बच्चों में भी तो बुद्धि और अकल है, तो हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अपनी जिंदगी बनाने का अभियान चल रहा है मेरे बहनों भाइयों। और वैसे ही ये पथ विक्रेता योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर और सीएम स्ट्रीट वेंडर, पथ विक्रेता योजना ये इसलिए बनाई कि हम छोटे छोटे काम करते हैं, सब्जी भाजी बेचते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, छोटा मोटा किराना बेचते हैं, खाने का सामान बेचते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बेचते हैं। तो कितनी परेशानी होती थी पैसे में, अगर जरूरत पड़े कि 1,000 रुपया की जरूरत है तो सब्जी भाजी खरीद के हाथ ठेला में बेचेंगे, तो पैसे की जरूरत पड़े तो कौन के पास जाना पड़ता था? ब्याज पर जो पैसा देते हैं उनके पास जाना पड़ता था, और ब्याज पर पैसा देने वाला 100 रुपया देता था तो महीने में 125 रुपया वापिस मांगता था, सही बात है कि नहीं? अब जितने कमाओ सब ब्याज में ही दे दो, कैसे जिंदगी चलेगी भाई? और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों ये बात तय की, एक तो बनी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, एक बनी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मैंने बनाई। और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 10,000 रुपया का लोन बैंक देता है, और उसको वापस करने की गारंटी हम लेते हैं, गारंटी देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर 10,000 रुपया वापिस कर दें तो फिर 20,000 रुपया मिलते हैं, फिर 20,000 रुपया अगर वापिस कर दें तो फिर 50,000 रुपया बैंक से मिल जाते हैं। ये योजना इसलिए बनाई कि धीरे धीरे हम अपनी कमाई बढ़ा के छोटी दुकान से अपनी दुकान को बड़ी दुकान कर लें, ताकि हम लगातार आगे बढ़ते जाएं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, पैसा पैसे को कमाता है, पैसा पैसे को कमाता है। अगर पैसा होते हैं और हम अपनी दुकान कोई और सामान खरीदते और बेचते हैं तो थोड़ा मुनाफा होता है, उसमें से बचा बचा के हम अपनी दुकान बड़ी कर सकते हैं, हम अपना काम धंधा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ कई बहनें ऐसी है कि जिनने अपनी आमदनी बढ़ा के साल भर में 1,00,000 रुपया से ज्यादा कर दी है, 1,00,000 रुपया से ज्यादा कर ली। तो मैं चाहता हूं हमारी सारी बहनें, हमारे सारे भाई जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, वो धीरे धीरे अपने काम धंधे के माध्यम से अपनी बड़ी दुकान बना लें और ज्यादा पैसा कमाएं,
ताकि सुख से जीवन जी सकें। देखो मैं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आराम करता रहूं, मैं मुख्यमंत्री इसलिए हूं कि आपकी जिंदगी में कैसे हम और ज्यादा खुशियां ला सकें। और इसके लिए ये काम धंधा अपना चलेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर के साथ सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई, जो गांव में हमारे गांव में सामान बेचते हैं अलग अलग भाई बहन, उनके लिए, और उनके लिए भी ये योजना है कि पहले 10,000 मिलेंगे, ब्याज हम मैं भरवाऊंगा ताकि ब्याज का बोझ ना पड़े, बिना ब्याज के देंगे, और 10,000 वापिस करेंगे तो फिर 20,000 दिलवाएंगे, और 20,000 वापिस करेंगे तो फिर 50,000 दिलवाएंगे। लेकिन आज आपके बीच में मैं ये फैसला भी कर रहा हूं कि अगर 50,000 वापिस कर देंगे तो बिना ब्याज के 1,00,000 रुपया भी दिलवाए जाएंगे।